नमस्कार, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आपके सामने नई रेसिपी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको ये अच्छी लगेगी। पास्ता बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी पास्ता लिया है। एक बड़े भगोने में मैंने ये 3 गिलास पानी डाला है। ये देखिए, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक का डालेंगे और 1 चम्मच तेल का डालेंगे। ये देखिए, 1 चम्मच तेल का डालेंगे। फिर हम इसको नमक और तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को ऑन कर अब हम भिगोने को गैस के ऊपर रख देंगे। पानी अच्छे से गर्म होकर उबाला आ जाएगा तो फिर हम इसमें 2 कटोरी जो हमने पास्ता लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। पानी को अच्छे से उबाला आ गया है, पास्ता हमारा तैयार हो चुका है। अब हम एक छन्नी में इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक छन्नी में पास्ता को निकाल लिया है। पास्ता हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसके लिए तड़के की तैयारी करते हैं। मैंने सब्जियों को अच्छे से धो के काट लिया है। मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं, शिमला मिर्ची ली है, गाजर ली है, प्याज है, बीन्स है, धनिया पत्ता है, बटर है, तेल है। मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी थी। गैस कढ़ाई गर्म हो चुकी थी और 2 चम्मच मैंने बटर डाला है। बटर नीचे नहीं लगे इसके लिए मैंने 1 चम्मच तेल लिया था, वो भी डाल देती हूँ। और अगर ये दोनों अच्छे से गर्म हो जाएंगे तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमने हल्का सॉफ्ट करना है। जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा फिर हम इसमें दूसरी सब्जी डालेंगे। हल्का सॉफ्ट हो गया था, अब हम 1 कटोरी बीन्स डाल देंगे। बीन्स को भी थोड़ा सा हल्का सा हिला लेते हैं। फिर हम इसमें कटी हुई गाजर डालेंगे। ये गाजर मैंने डाल दी है। गाजर हो चुकी है, अब हम 1 कटोरी स्वीट कॉर्न इसमें डाल देंगे। अब इनको भी डालकर हम अच्छे से मिला लेते हैं। हर एक का अपना अपना तरीका होता है पास्ता बनाने का। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। स्वीट कॉर्न ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप डालिएगा, अगर नहीं हो तो नहीं डालिएगा। अब हम इसमें शिमला मिर्ची डाल देते हैं। शिमला मिर्ची को भी अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाल दिया है, अभी इनको मिक्स करके हम 1-2 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। हमने सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है। 1-2 मिनट हो चुका है, अभी हम ढक्कन उठा के देखेंगे। जी देखिए, हमारी सब्जी तैयार है और इनमें थोड़ा सा क्रंचीपन रहना चाहिए। अगर क्रंचीपन नहीं होगा तो पास्ता खाने में मज़ा नहीं आएगा। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स और साथ में ऑरेगानो डाल देंगे। ऑरेगानो भी 1 चम्मच डाला है और साथ में ही हम इनको अच्छे से मिक्स करके मैंने इसमें पास्ता सॉस और टमाटो केचप मिक्स करके 3 चम्मच लिया है। अब हम इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें चिली सॉस भी डाल सकते हैं, पर बच्चे ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं इसलिए मैंने चिली सॉस नहीं डाला है। अभी ये देखिए, पास्ता डाल देते हैं। पास्ता डालकर भी हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ते को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हमने 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही इसको पकाना है। जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से पास्ता में मिक्स हो जाएं। हमें इसको धीमी आंच पर पकाना है, अगर तेज़ आंच होगी तो ये जल जाएगा। जी देखिए, पास्ता हमारा तैयार है। अब हम इसको सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, अभी ये तैयार हो चुका है। आप भी बनाइएगा, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।